पिछले सेशन में हमने पूरा किया परचेज प्रोसेस, इस सेशन में हम देखेंगे सेल्स प्रोसेस के बारे में। मेथड वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा बाउचर में, और कुछ नाम भी चेंज हो जाएंगे। जैसे जब हम परचेज प्रोसेस करते हैं तो ऑर्डर करते हैं, इसमें भी ऑर्डर होगा, लेकिन जब रिसीप नोट होता है परचेस में, लेकिन इसमें हो जाता है सेल्स वाले में डिलीवरी नोट करना। और परचेज प्रोसेस के अंदर का जब हम रिजेक्शन माल को वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन आउट, लेकिन सेल्स प्रोसेस के अंतर्गत इसे कहते हैं रिजेक्शन इन। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें करना क्या है, पहले हमें प्रेस करना होगा ऐप 11 और ऐप 2, उसमें से जो हमने फीचर एप्लीकेशन में यस किया था सेम वही फीचर रहेंगे हमारे पास, जीरो वैल्यू एंट्रीज, रिजेक्शन, और यहाँ पर हमारे पास अदर प्रोसेस सेल प्रोसेस ये रहेगा, एनेबल जॉब प्रोसेस, उसके बाद ये डेबिट क्रेडिट नोट, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं इसको यस कर लीजिएगा, और ट्रैकिंग नंबर, रिजेक्शन आउट, और लास्ट में यूज कॉस्ट रेटिंग। इसको यस करने के बाद बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है हमें, तो वापस से हमें प्रेस करना होगा आर के साथ F5, प्रेस कर लेते हैं आर के साथ F5। यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑर्डर, सो हमें पार्टी का नाम देना पड़ेगा कि किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो उसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं अलीसा सी के। कभी भी लेज़र बनाना हो बीच में तो आप आई के साथ सी प्रेस कर सकते हैं। तो बना लेते हैं यहाँ पर, तो संडे डेप्टर में हम ऐड करेंगे, उसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर की बात हो रही है तो ऑर्डर नंबर बना दिया मैंने 001। सेल्स का एक लेजर बनाएंगे, सेल्स को हम ऐड करेंगे सेल्स को, उसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आइटम की बात हो रही है तो हम आइटम, एक नया आइटम बनाएंगे उस पर हम काम करेंगे। हमें प्रेस करना है आर के साथ सी, यहाँ पर हम बना लेते हैं HP का लैपटॉप, HP लैपटॉप। यहाँ पे हम अंडर ग्रुप कर देते हैं कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, सीरीज, और उसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम पीस में ही खरीदेंगे उसको, इसको हमें इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग है, इसको हम यस कर लेंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब हम ऑर्डर सेल के लिए और सेल के लिए ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पे हम ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं कि कितने दिन बाद माल को डिलीवरी करना है। यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो आप टाइम दीजिए 10 दिन बाद। और लोकेशन की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लोकेशन भी बना सकते हो गोडाउन वगैरह, और यहाँ पर अगर लोकेशन बनाना ही है तो कर दो यहाँ पे VNS। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटी और कितना किया गया 50 पीस। यहाँ पे हम इसका रेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें क्वांटिटी ख्याल रखना होगा। कॉस्ट ट्रैकिंग की बात हो रही है तो हमें यहाँ पर न्यू नंबर लेना होगा, और यहाँ पर हमें ऐड करना होगा ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर 001, इसको हमें सेव करना होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नरेशन में बी
इसके बाद हमें क्या करना होगा, उस जो माल ऑर्डर हो चुका, ऑर्डर करने के बाद हम इसको डिलीवर करते हैं, तो ऑर्डर के साथ F8 रेफरेंस नंबर देते हैं। यहाँ पर रॉय की बात हो रही थी, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने पहले दिया था, उसको हम सेव कर लेते हैं। और जो ट्रैकिंग नंबर की बात हो रही है, तो हमारे पास 1303 था, ऑर्डर नंबर हमारे पास 0012 था, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर दिया है 200, तो सेव किया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन होगा, अब इसमें से हम कुछ चीज़ों को अनबॉक्स करेंगे, तो प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F6, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे रोया को, और जो यहाँ पर भी सेलेक्ट करना होगा HP लैपटॉप, सो हमने सेलेक्ट किया ट्रैक नंबर 130। और यहाँ से हमें कितना माल वापस करना, मान लीजिए 5 पीस डिफेक्ट हो गया, इसको हम वापस कर सकते हैं, इसको हमें सेव कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 दिन बाद माल वापस देना है, और 5 पीस हमने इसको वापस भी कर दिया, तो देख सकते हैं 5 आइटम्स। यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम आइटम क्यों वापस कर रहे हैं, 5 आइटम रिटर्न। फाइनली अब जितना पीस बचा है उस पीस को हम सेल कर देंगे, बिल नंबर प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम और डिलीवरी नोट्स वाला लेंगे नंबर, इसको हम सेव कर लेंगे। अब जितना पीस बचा होगा वो हम यहाँ से परचेस कर लेंगे। रेट की बात हो रही है, रेट हम लगा देंगे उसका, तो 26,000 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर तो वैसे भी हो चुका है, सेल्स ऑर्डर वाला ये तो सेल कर लीजिए, तो ये टोटल हमने सेल कर दिया। अब लेंगे बीइंग सोल्ड आइटम ऑन क्रेडिट, इसको सेव करना। नेक्स्ट ऑप्शन आपको रिसीव करना होगा, जो माल आपने सेल किया है तो आपको रिसीव तो करना पड़ेगा अमाउंट लेने के लिए। रॉयल पास जाइए, 11,70,000 रुपये आपको उनसे लेना है, तो यहाँ पे 11,70,000 रुपये ले लिया। अगेंस्ट बिल, ये देखिए पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है, तो इस बिल को आप यहाँ से क्लिक करके ले लीजिए। कैश के माध्यम से लेना है, कैश के माध्यम से लीजिए, बैंक के माध्यम से लेना है, बैंक के माध्यम से लीजिए। यहाँ पर ले लीजिए बीइंग फुली रिसीव बाई कैश, यहाँ पे ये बन चुका। हम प्रेस करेंगे इसको रिपोर्ट देखने के लिए, हम डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा डेबू, डेबू के पास जाएंगे, ये हमारे पास पूरा स्टॉक है, उसको हम ओपन करके हम देख सकते हैं बारी बारी जो हमने